गुना बमूल सामाजिक जनसंगठन एकता परिषद के जिला संयोजक सूरज सहरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि उड़ीसा राज्य और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साथी विजय प्रधान और इंदिरा के द्वारा 18-19 नवंबर दिवसीय गुना के बमूरी क्षेत्र के अलग अलग ग्रामों में पहुंचकर सामूहिक बैठक में भाग लिया, जिसमें संगठन को मजबूत करने हेतु चर्चा की गई और गरीब शहरी आदिवासियों को मूलभूत अधिकार जैसे जल और जंगल जमीन के मुद्दे और सरकार द्वारा चलाई जा रही भिन्न भिन्न योजना के बारे में चर्चा की गई है। आज बमूरी क्षेत्र के ग्राम धनोलिया सिलबट्टी में पहुंचकर सामूहिक बैठक की, जहां ग्राम की गीताबाई विमलबाई ने कहा कि कई पीढ़ियों से वन भूमि पर कब्जा है और निवास भी करते हैं, लेकिन अधिकार नहीं मिला है। ग्राम में कोई रोजगार नहीं है, अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। बैठक को संबोधित करते हुए उड़ीसा राज्य से आए हुए विजय प्रधान ने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए आवाज को बुलंद करें, तभी अधिकार मिलेगा। बैठक में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राजकुमार सहरिया, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती जानकी बाई छत्तीसगढ़ से, कुमारी इंदिरा कार्यकर्ता राजा राम नंद किशोर, मुखिया मांगेलाल प्रेम मेघराज आदि लोग शामिल हुए। सभी साथियों को नमस्कार, जय जगत। देखिए, आज हम गुना जिले के बमोरी ब्लॉक के ग्राम धनुरिया गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों से चर्चा की गई तो जहाँ 40 परिवार सहरिया समाज के निवास करते हैं, इनकी कई सारी समस्या हैं। ये जमीन जो बैठे हैं, जो पूरी जंगल की जमीन है, इनका कहना है कि हमारे आजे पराजे के ज़माने से जमीन पर हमारा कब्जा है और इस पर निवास भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनको वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा भी नहीं मिला। और गांव की इस महिला गीताबाई से चर्चा की गई है तो इन्होंने बताया है कि पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, 2 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाया जाता है। इस तरह से एक तरफ तो सरकार बड़ी घोषणा कर रही है, लेकिन जमीन स्तर पर, गाँव स्तर पर देखें तो गरीब शहरी आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, इन लोगों को जल से जल वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा मिलना चाहिए, इस गांव में पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में सभी ग्राम के लोग इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और जब तक निराकरण नहीं होगा, जब तक वहां से नहीं हटेंगे। मैं सूरज सहरिया, एकता परिषद जल समन्वय गुना। जी बताइए, आज आप इस गाँव में किस उद्देश्य से आए? तो मेरा नाम विजय प्रधान है, मैं एकता परिषद का काम उड़ीसा में कर रहा हूँ, लेकिन आज बड़ा ही सुखद की बात है, मैं आज मध्य प्रदेश का गुना जिला का बामोर ब्लॉक का दमोरिया गांव में उपस्थित हूं। तो ये मेरे को ये देखने को मिला कि दमोरिया में 40 परिवार, वो कहीं से कितना दिन हो गया यहां पे घर लगा के बैठा है, और जो जंगल का ज़मीन पर बैठा है, वो जंगल ज़मीन का पट्टा उनका नाम पर नहीं है। अगर 2008 से पूरा भारत में वन अधिकार कानून लागू हुआ है, इसके अंतर्गत लोगों को पट्टा मिल जाना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी तक क्या कर रहा है मेरे को भी पता नहीं चलता है। तो ये दमोरिया गांव का लोगों को क्यों पट्टा अभी तक नहीं मिला है? और एक बड़ा दुख की बात है, ये लोग उनका घर का आसपास जो खेती है, छोटा बहुत खेती करते हैं, उनके लिए पानी का कोई व्यवस्था नहीं है और पीने का पानी का हालत बहुत गंभीर है। तो मैं यहाँ से निवेदन करूँगा मध्य प्रदेश सरकार को, गुना जिला प्रशासन को, तो तुरंत ये पीने का पानी और खेती के लिए पानी के लिए इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो यहाँ का लोग आपको कुछ दिखाने के लिए काम करेंगे।